नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। बिहार के गया के फतेहपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले जमुहार गांव में एक हैरान करने वाला हादसा सामने आया है, जिसमें छत पर खेलते हुए एक साल के बच्चे ने सांप को ही मुंह में डालकर दांतों से चबा डाला। लेकिन इसके बाद चौंकाने वाली बात ये है कि जब इस घटना से घबराए परिजन बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे, तो डॉक्टर ने बच्चे की जांच करके उसे स्वस्थ बताया, जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। जानकारी के मुताबिक गांव में रहने वाले राकेश कुमार के एक साल के बेटे रियांश को उसकी मां ने छत पर खेलने के लिए छोड़ दिया। इसी दौरान बच्चे ने खेलते हुए छत पर मौजूद सांप को खिलौना समझकर पकड़ लिया और मुंह में डालते हुए उसे दांतों से चबाकर मार डाला। जब बच्चे की मां का ध्यान बच्चे पर गया तो उसके होश उड़ गए। इसके बाद इस घटना की जानकारी उसने अपने पति को दी और बच्चे के मुंह से सांप को बाहर निकाला गया। इसके बाद वे बच्चे को लेकर फतेहपुर के स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर गए। डॉक्टर ने जांच करने के बाद उसका इलाज किया और बताया कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। इस अजीब घटना की चर्चा अब आसपास के गांव में भी हो रही है।